एम आई ऑडिबल गाइस? चलो लिखो बेटा, चार्ल्स लॉ। सेवनटीन एटीन सेवन में बेसिकली ये लॉ आया था। द लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। चलो पहले लिखो बेटा, द लॉ स्टेट्स दैट द लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। लिख लिया बेटा, एक बार रीड कर लो। चलो अब सामने देखो, लॉ क्या कहता है कि अगर आप जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम वी नॉट ले लो, है ना, 0 डिग्री पे, तो कह रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस पे अगर वॉल्यूम वी वन होगा तो वी वन और वी नॉट में रिलेशन क्या होगा, वी वन विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस इसी वी नॉट का कितने टाइम्स इतने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1/273.15 ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। इतना ये क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया 1 डिग्री राइज करने पे टेम्परेचर। फिर उसी तरह से कह रहा है कि अगर मेरे को 1 डिग्री डिक्रीज कराना है मतलब -1 डिग्री सेल्सियस पे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतना ही डिक्रीज कर जाएगा। क्या तुम लोगों को ये समझ में आया बेटा? ठीक है, तो आप सोचो मुझे 2 डिग्री करना होता तो मैं क्या करता, वी 2 डिग्री सेल्सियस होता तो ये हो जाता ये वी नॉट प्लस इतना और बढ़ा दो, तो इतना और बढ़ाने का मतलब है तुम लिखोगे V नॉट इंटू 2/273.15। क्या समझते हो इस चीज को? Yes, sir. ये हो गया। तो अगर इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं, मान लीजिए कि T डिग्री सेल्सियस कर दिया तुमने, यानी वी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V नॉट प्लस V नॉट T अपॉन 273.15। V नॉट कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/T/273.15।
हो गया बेटा। अब अब इसको देखो, ये जो आपने लिखा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये इसको मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, लाइक वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, इसको लिख सकता हूं मैं 273.15 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन, ये नीचे लिख सकता हूं 273.15। कोई प्रॉब्लम? हो सर। आप ध्यान से देखो, अगर मैं टी डिग्री सेल्सियस पे 273.15 ऐड कर देता हूं, ये टेम्परेचर किसमें आ जाएगा बेटा? टेम्परेचर इन केल्विन एट टी डिग्री सेल्सियस। इसको क्या लिख सकते हैं उसी लैंग्वेज में, उसी उन्हीं वर्ड्स में, टेम्परेचर इन केल्विन एट व्हाट डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बेटा? हो सर। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। इसको अच्छे से लिखने का मतलब है ऐसा लिखेंगे, वी टी अपॉन टी टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन टी नॉट। कोई डिफिकल्टी? सर वी टी अपॉन टी टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन टी नॉट। अच्छा, अब आप इस टी को कुछ भी रखो, वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन टी नॉट, वी टू अपॉन टी टू इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन टी नॉट, वी थ्री अपॉन टी थ्री इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन टी नॉट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है? यस सर। V by T is equal to constant, ये एक बड़ा रिलेशन आया, V directly proportional to temperature in Kelvin। इसको नोट कर लो। अच्छा करो, सबने लिख लिया बड़ा। यस सर। अच्छा, हमने जो केल्विन स्केल बनाया था, मतलब या केल्विन स्केल हम जानते हैं, वो आप ध्यान से सुनो कैसे वो बनाया गया। जैसे ये है, ये क्या था बेटा? वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस। अब इसको ध्यान से देखो, अगर हम प्योर मैथमेटिक्स के बारे में सोचें, कुछ और नहीं, प्योर मैथमेटिक्स, तो टी की क्या वैल्यू रख दी जाए कि ये वॉल्यूम 0 हो जाए? अच्छा टी की वैल्यू अगर -273.15 डिग्री सेल्सियस रख दिया जाए, ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस रख दिया जाए, तो वो जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम 0 हो जाता है। अब अगर मैथमेटिकली भी सोचो,
मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, मैथमेटिकली भी सोचो, तो किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, मतलब मैथमेटिकली भी सोच रहे हैं भाई, सब्सटेंस जीरो तक सोच सकते हैं, गायब थोड़ी ना हो जाए, उल्टा कैसे हो जाएगा? तो हम लोग फिर क्या कंक्लूजन निकालते हैं यहां से? कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ये कंक्लूजन निकाला, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। और इस लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पे ऑल गैसेस आर सपोज्ड टू ऑक्यूपाई व्हाट वॉल्यूम? जीरो। इसीलिए इसीलिए इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। तो इसीलिए हमने एक नया स्केल तैयार किया, हमने एक नया स्केल तैयार किया जिसमें -273.15 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख दिया बेटा? जीरो केल्विन। तो फिर 273.15 को क्या लिखेंगे? या इधर आते हैं, टी डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं ना, कुछ भी यहां पर ले सकते हैं वैसे तो। तो केल्विन में वही टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? या 0 डिग्री सेल्सियस पहले ले लेते हैं, तो केल्विन क्या हो जाएगा? 273.15 केल्विन, है ना। और टी डिग्री पे क्या हो जाएगा? टी प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव केल्विन, यानी गैप मेंटेन रहा। देखो तो ये डिग्री सेल्सियस स्केल है और ये केल्विन स्केल है। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन, उन्होंने ये स्केल प्रपोज किया था। 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। हो गया, सबने लिख लिया बड़ा? नो सर, टू नहीं। हाँ सर, हो गया सर। एक नोट लिखो बेटा, क्योंकि ये जो हमने कंक्लूजन तो निकाल लिया, लेकिन प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ये जो जीरो वॉल्यूम है ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके पहले तो वो कंडेंस कर जाएगा। लिखिएगा, आवर कंक्लूजन दैट गैसेस ऑक्यूपाई, आवर कंक्लूजन दैट गैसेस ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम एट 0 केल्विन, जीरो वॉल्यूम एट 0 केल्विन कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिकॉज बिकॉज ऑल द गैसेस कंडेंस टू बिकॉज
ऑल द गैसेस कंडेंस टू, ऑल द गैसेस कंडेंस टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ऑल द गैसेस कंडेंस टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स बिफोर दिस टेम्परेचर इज रीच्ड, बिफोर दिस टेम्परेचर इज रीच्ड। ठीक है, सो केल्विन स्केल जो है उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ेगी साइंटिफिक वर्क में। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी लिखिएगा बेटा ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। ग्राफिकल एनालिसिस, देखो जैसे मैंने आपको समझाया, जब भी आप किसी ग्राफ की बात करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर बोलेंगे वाई और एक्स, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रिलेशन कि वाई और एक्स में रिलेशन क्या है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं बेटा, बिकॉज हमारे पास एक रिलेशन है वी इज इक्वल टू के टी का, राइट ना, यानी कि अगर हम वाई एक्सिस पे वी ले लें, एक्स एक्सिस पे टी ले लें, तो ये हमारा सिंपल ग्राफ हो जाएगा ऐसा। कोई कंफ्यूजन बड़ा नहीं, तो ये है सिंपल सा ग्राफ है। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि जब भी हम ये लिख रहे हैं बार बार, तो हम ये चीज मेंशन करेंगे अमाउंट ऑफ गैस एंड यहाँ पर प्रेशर क्या रख रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक हो, अच्छा इसमें एक चीज और है कि जब हम लोगों ने इसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम वाले ग्राफ्स बनाए थे, तो उसमें हमने आइसोथर्म्स बोला था। आइसोथर्म्स इसलिए बोला था बिकॉज वहां पर जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था उस ग्राफ में, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो इनको आइसोबार्स बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने दो ऐसे बना दिए, जैसे यहाँ पर लिखा वॉल्यूम और यहाँ लिखा टेम्परेचर, और मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसा और एक ग्राफ ऐसा बनाया, इसको लिख दिया पी वन, इसको लिख दिया पी टू, और क्या इसमें आप रिलेशन बता सकते बेटा, जैसे लास्ट टाइम निकाला था। सोचो सोचो, सर, पी टू ग्रेटर देन पी वन। वेरी गुड। तो इसमें सिंपल सी बात है, आप बेसिकली ऐसा सोच लो कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसे, तो आप यहां पर लिख दोगे पी टू और यहां पर लिख दोगे पी वन। अब आप सोचो कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या होता है, तो थोड़ी देर पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो पी वन की वैल्यू है पी टू से छोटी हो गई। तो जो सोच पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको कॉपी कर लेना। यहां पर क्लियरली मेंशन कर देना, ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार। सर हो गया बेटा? सर हाँ, अभी जैसे मान लीजिए ये तो ठीक है, तुमने यहाँ पर ये ग्राफ बना दिया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, बट ये टेम्परेचर ध्यान रखना किस चीज में है, किस यूनिट में है, जी केल्विन। अगर कहीं बाय चांस तुम्हें ये पूछ लेता वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और तुमने ये कर दिया होता ग्राफ ऐसा, तो गलत हो जाता।
इसके लिए आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम हमने थ्योरेटिकली जीरो बोला था, माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव, राइट ना? हाँ, तो यहीं से शुरू करेंगे इसको, ऐसा समझ गया बेटा? तो ये ग्राफ होगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, पर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, बट हियर ऑल्सो प्रेशर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट। कोई बेटा डेली लाइफ एग्जाम्पल या एप्लीकेशन आपको पता है हाँ जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन समझ में आता हो? सर्च करिएगा बेटा, फ्लोटिंग तो हॉट एयर बलून इन पानी एयर। को गर्म करने वाला चलो गाइस, गैस एक दो क्वेश्चन लिखो बेटा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आसानी आप आराम से कर लोगे, बट फिर भी इन जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। अ गैस एट -20 डिग्री सेल्सियस, अ गैस एट -20 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज, अ गैस एट -20 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम 14 ml, 14 ml, कितना कितना वॉल्यूम? 14 ml, सॉरी 14 नहीं, 140 लिखना, 140 ml, 140 ml, 140। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 65 ml, 65 ml। एज्यूम प्रेशर कॉन्स्टेंट, एज्यूम प्रेशर टू बी कॉन्स्टेंट। कुछ Have you got the answer? Yes. Approximate answer ही बताओगे चलेगा। अप्रोक्सीमेट 126 126 किलोमीटर या टन? नहीं सर केल्विन केल्विन। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, अगर मान लीजिए कि आपको डेटा जो है लेट अस से कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट में दिया है, तो कोशिश होनी चाहिए कि वो जो आंसर बताओ वो उसी यूनिट में होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? तो यूजुअली यूनिट सेम रहती हैं जो दी गई है, और बीच में आप कन्वर्जन कर सकते हो अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलो, क्या मैं आंसर बता दूं अभी? देखो, मेरे पास जो वैल्यू है P1 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है बड़ा, सॉरी P1 कह रहा हूं, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 140 ml। T1 की वैल्यू जो दी हुई थी कितनी? -20 दी है ना, तो 273.15 -20, तो ये हो जाएगा 253.15 केल्विन। ये हो गया।
वॉल्यूम 65 ml दिया है V2, वॉल्यूम अगर V2 65 ml दिया तो सीधे आप फॉर्मूला लगाएंगे V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर वैल्यूज, आपको यहाँ पर T2 की वैल्यू निकल आएगी। T2 जो मेरे पास दिया हुआ है वैल्यू, दैट इज केल्विन में 117.46 लिखा है, और बिकॉज मैंने बोला डिग्री सेल्सियस में, तो ये -155.54 डिग्री सेल्सियस। देखो इसके आसपास कुछ होगा तो सही है। हो गया बेटा? यस चल सर। ये हमने पढ़ा हुआ था, फिर भी एक बार इसको एक बार और लिख लो बेटा। गे-लुसैक्स लॉ। इसमें लिख देना इट रिलेट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसके लिए एक नोट लिखिएगा बेटा। द लॉ स्टेट्स दैट द लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस प्रेशर प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तुमने देखा होगा कि ये बिल्कुल वही बता रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले चार्ल्स लॉ के लिए लिखा। डिफरेंस केवल ये है कि वहां पर वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन की बात कर रहा है, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर तुम लोग ध्यान से देखो वहां पर जैसे हमने लिखा था ना, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू V0 + V0 × 1/273। यहां पर क्या लिखेंगे? प्रेशर। तो हम लोग यहाँ सीधे लिख देंगे PT इज इक्वल टू यहां पर लिख देंगे हम लोग P0 + P0T/273.15। क्या क्लियर है ये बेटा? यस सर।
ये हो गया। और फिर पूरा वो जो इसमें एलसीएम वगैरह लेकर आप जब निकालोगे तो इसको लिख देंगे पीटी अपॉन टी टी इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन टी नॉट, राइट। तो फिर ये हो जाएगा पी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू के टी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक हो गया बेटा। सर। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखो, देखो आप कर पाते हो क्या। अ गैस सिलेंडर, अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस अ गैस कैन विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 14.9 एटमोस्फियर। एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस प्रेशर द गैस इज 12 एटीएम। ट्वेल्व एटीएम ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग एट वॉट टेम्परेचर द सिलेंडर विल एक्सप्लोड, एट वॉट टेम्परेचर द सिलेंडर विल एक्सप्लोड। तो आप इस बात का ध्यान रखें बेटा, है ना, लोगों को भी बताएं आग लगने पर सिलेंडर के आसपास न रहें। कर लिया बेटा। अप्रोक्सीमेट 20 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तो P1 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास दी है 14.9 atm, है ना। T1 निकालना है, P2 12 atm और T2 यहाँ पर 27 है ना, तो 273 प्लस 27 और 0.15 आप छोड़ सकते हो, 300, ठीक है ना। सो बस P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन
टी टू, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, टी टू टी वन ना, हाँ टी बराबर वन की वैल्यू जो मेरे पास दी हुई है दैट इज 372.5 केल्विन। आप इसको डिग्री सेल्सियस में कर दो तो 372.5 -273। देखो यही आया है क्या, इसके आसपास आया? हाँ तो बस आसपास चलो इसको हटा दें। अभी लिखिए ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस देखो बहुत सिंपल है। वॉल्यूम या सॉरी प्रेशर है ना, ये तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है ना, तो ये तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। अभी यहां पर, अच्छा यहां पर क्या चीज कांस्टेंट रखी है बेटा हमने? वॉल्यूम अमाउंट एंड वॉल्यूम अमाउंट एंड वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है दैट यू हैव टू राइट। अब इसमें फिर से वही चीज, मान लीजिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर लिखा और मैंने यहाँ पर ये आपको लेटर से दे दी V1 V2 V3, तो रिलेशन बता सकते हो बेटा? सर V3 greater than V2 greater than V1 तो यहां पर वही स्टाइल आप कर लो क्या, कि मान लीजिए कि आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो ये तुम्हारा V1 हो गया, ये तुम्हारा V2 हो गया और ये V3 हो गया। टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लिख देंगे V3 greater than V2 greater than V, और इनको कहते हैं आइसोकोर्स। वॉल्यूम कांस्टेंट जो है उनको यहाँ पर ग्राफ आइसोकोर्स, ISOCHORES। हाँ आइसो बार्स तब जब प्रेशर कांस्टेंट था बेटा, प्रेशर कांस्टेंट वाले को। हो गया बड़ा? देखो बड़ा एवोगैड्रो लॉ, द लॉ स्टेट्स दैट, द लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस, द लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम
सेम नंबर ऑफ या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो बहुत सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड प्रेशर एंड टेम्परेचर दीज आर केप्ट कॉन्स्टेंट। अब आप इसको ऐसे समझो, ये लॉ है जो अमाउंट को रिलेट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये किस चीज का रिलेशन है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड अमाउंट, अमाउंट ऑफ गैस। और अमाउंट ऑफ गैस जनरली हम मोल्स में लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम अपने इसको, बिकॉज जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर मैं बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 × 10⁰³। याद आ रहा है? यस सर। मोल कॉन्सेप्ट। तो हम लोग सीधे यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, वी इज इक्वल टू के एन, दैट्स इट। ठीक है, ये भी नोट कर लो। चलो बाकी तो आप अगर ग्राफिकल एनालिसिस इसमें भी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए तो ये सीधे आप ग्राफ बना लो। और अपने को मालूम है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है 1 bar, एसटीपी की अगर बात करें 1 bar है एंड 0°C, मालूम है ना? यस सर। तो इस पे वॉल्यूम कितना होता है बेटा, मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर। मोलर वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस 22.710। कोई जरूरत नहीं है, 22.7 तक काम चल जाता है, ठीक है। अच्छा ये याद रखना बेटा, जो ओल्ड एजम्पशन ये इसके लिए एसटीपी के लिए जो हम प्रेशर लेते थे वो क्या था, 1 atm था पहले, ठीक है ना। तो अगर हम आज भी 1 atm और 0°C पे मेजर करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। इसीलिए कई सारे क्वेश्चंस में एसटीपी का वॉल्यूम 22.4 लीटर करके लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे, क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे आप उसको यूज कर लेना, बट माइंड में आप रखना है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 bar है, ना कि 1 atm, ठीक है। 1 atm इज इक्वल टू 1.01 bar है, इसकी वजह से वो वॉल्यूम की वैल्यू देखो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलो ये नोट कर लिया सब कुछ बेटा? यस सर। लिखिएगा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो हम लोगों ने
यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वॉल्यूम डायरेक्टली या वॉल्यूम बेटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहाँ पर हमने लिखा यू नो नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, दीज टू थिंग्स आर कॉन्स्टेंट। फिर हमने बोला वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, और यहाँ बोला एन एंड पी कॉन्स्टेंट। फिर हमने बोला वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ बोला प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर सॉरी यहाँ पर हाँ प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, यही तो लिख रहे थे हम लोग। ठीक है, पहला वाला क्या है बेटा? पहला वाला है बॉयल्स लॉ। दूसरा वाला क्या है? चार्ल्स लॉ। तीसरा वाला क्या है? नहीं नहीं, अब क्या कौन? अरे तुम लोग भी क्या है, मतलब तुम 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ये लाइन से ही बोलोगे, है ना? कोई अगर बीच में से कुछ पूछ लेगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अब ये तीनों लॉज को एक साथ लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं बाय कंबाइनिंग दीज थ्री लॉज वी गेट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, इसको लिखेंगे 1/PTn। और जब ये लिखा आपने तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी डालेंगे यहां पर, और इसको हम लोग लिखते हैं वी इज इक्वल टू, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, आर लिखते हैं जिसको हम लोग गैस कांस्टेंट करके भी लिखते हैं, और ये हमने पहले से पढ़ रखा है वैसे तो, बट फिर भी बिकॉज वी आर डूइंग दिस चैप्टर गैसेस स्टेट, तो बिना इसके तो काम ही नहीं चलेगा। ये इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते समय तो हमने जस्ट लिख लिया था, ठीक है, बट यहां पर कैसे आया उस सबका डिस्कशन किया हमने। इसको आइडियल गैस इक्वेशन या फिर हम कंबाइंड गैस लॉ भी बोलते हैं, ऐसा करके लिख देना। अगर कोई कहता है व्हाट इज कंबाइंड गैस लॉ, तो आप बस इतना लिख देना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, देखो अब यही जो आपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा, अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं पीवी अपॉन एनटी इज इक्वल टू आर, राइट, तो हम लोग इसमें बिकॉज आर तो कांस्टेंट है ना, वहां पर हम कुछ भी लिखें, तो मैं ऐसा लेट अस से फर्स्ट कंडीशन में पी वन वी वन है, एन वन है, टी वन है, तो ये एक बड़ी जनरलाइज्ड सर यू नो रिलेशन आ गया। अब इसमें जो कांस्टेंट होगा उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको अच्छे से लिख कर रखना। आपको बाकी लॉज फॉर्मूलाज आते हैं नहीं आते से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अगर आता है तो आपको इसमें सारा सब छिपा हुआ है, इसमें ध्यान से देखोगे तो सब कुछ छिपा हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसमें जो है जो बॉयल्स लॉ पढ़ा है वो भी दिख रहा है, देखो पी वन वी वन पी टू वी टू, आपको यू नो चार्ल्स लॉ भी दिखेगा इसमें कि आप जो है पी वन एन वन पी टू एन टू को कैंसिल आउट कर दो
और वी वन अपॉन टी वन इज टू वी टू अपॉन टी टू, आपको गे लुसैक्स लॉ भी इसमें नजर आएगा, वी वन अपॉन एन वन को हटा दो तो पी वन अपॉन टी वन इज टू पी टू अपॉन टी टू, आपको इसमें जो है एवोगैड्रो लॉ भी नजर आएगा, वी अपॉन एन कॉन्स्टेंट आएगा, वी वन अपॉन एन वन इज टू वी टू अपॉन एन टू, सारे ऐसा लॉज इसमें छिपे हुए हैं। धीरे धीरे हो गया बेटा। यस सर, यस अब सर, जरा लिखिएगा वैल्यूज ऑफ आर, वैल्यूज ऑफ आर, वेरी वैल्यूज ऑफ आर। गुड। अब आर जो है वो तो अपने को मालूम है पीवी अपॉन एनटी है, तो अगर हम इसमें जो है अभी जैसे हम लोगों को ये तो पता है कि जो 1 ATM है और यू नो 0 केल्विन पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस याद है ना 22.4 लीटर है, अगर हम वो सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे देखो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए हमने रखा 1 ATM, वॉल्यूम 22.41 समथिंग रहती है ना, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स तो 1 हो जाएगा बिकॉज मोलर वॉल्यूम है, टेम्परेचर 273.15 कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी करीब 0.08206। ये आप इसको डेसीमीटर क्यूब बोल दो या लीटर बोल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एटीएम लीटर पर मोल पर कैल्विन। यूनिट्स का ध्यान देना बेटा, हाँ इसके बदले आपको ये भी यूनिट लिखी हुई मिल सकती है, एटीएम डीसी मीटर क्यूब पर मोल पर कैल्विन। कोई कंफ्यूजन बेटा, बोला किसी ने यस बोल दिया। अब यहीं पर अगर तुम जो है यू नो एसआई यूनिट में अगर सोचोगे तो जैसे प्रेशर है तो प्रेशर एटीएम में नहीं चलेगा, अब तुमको किस में रखना पड़ेगा बेटा, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर, तो ये हो जाएगा 1.01325, अच्छा 1.03 ये रखा इनटू 10^5 किया और वॉल्यूम तो इतने ही 22.4 रख दिया, अपॉन ये 1 × 273.15, तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है 8.314। इसको आप बिकॉज ये यूनिट्स का ध्यान देना, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये हो जाएगा मीटर क्यूब 22.4, और यहां पर हमको अच्छा ये लीटर मैंने 10^-3 रखना पड़ेगा ना, बिकॉज 1 लीटर इज 10^-3 m³, तो ये तुम्हारा इसको ये आएगा 8.314, हाँ नहीं तो फिर यूनिट्स गड़बड़ हो जाती, तो यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, और ये जो न्यूटन मीटर ये एक्चुअली जूल इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये भी नोट कर लो बेटा। आई
हो गया बेटा। अब इसमें यूनिट्स के साथ जो है अलग वैल्यू यहाँ पर ये भी लिख लो बेटा, बिकॉज जूल और अर्ग्स में वो 10^7 का वो रिलेशन होता है, तो इसको हम लोग एक और वैल्यू लिखेंगे, 8.314, 8.314 इंटू 10^7। ये लिख लेना। और कैलोरी और इसमें जूल में तो तुम्हें रिलेशन मालूम ही है, तो उसको यूज करोगे तो आर की वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 2 लिख देते हैं, 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। ये भी लिख कर रखिएगा बेटा। हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखिएगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ HG प्रेशर, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ HG प्रेशर, अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम। वॉट विल बी इट्स प्रेशर एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml, 640 ml। एक बार लास्ट स्टेटमेंट रिपीट करो। वॉट विल बी इट्स प्रेशर एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml।
अप्रोक्स लेकिन हो गया बेटा सर 1 मिनट सर 23 अपॉन 20 सर 608 mm ऑफ एफजी कितना? दोबारा बोलो आंसर। 608 mm ऑफ एफजी वेरी गुड। एग्जैक्ट ये तो नहीं है। सर देखो इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। इसमें प्रेशर P1 दिया हुआ है 760 mm ऑफ HG, P1 दिया हुआ है 600 ml, T1 दिया हुआ है 25 + 273 एंड दैट कम्स 298 केल्विन। फिर डेटा और क्या दिया है, हाँ V2 दिया हुआ है 640 ml, T2 दिया हुआ है 10 + 273 दैट इज 283, ठीक है ये। और तुम्हें निकालना है P2। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, P1V1/N1T1 इज इक्वल टू P2V2/N2D2। अब ये कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पर आ गया P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। यहाँ से P2 आएगा P1V1/T1, और यहाँ पर लेके जाएंगे T2 और यहाँ लेके आएंगे V2। सब्स्टिट्यूट कर दो है ना, तो ये 760, V1 की वैल्यू 600, T2 की वैल्यू 283, और यहाँ पर T1 की वैल्यू 298 और ये V2 की वैल्यू 640। ये जब आप सॉल्व करते हो तो जो डेटा मेरे पास दिया है 676.6 mm ऑफ HG। सर देखो डेटा तो यही मेरे पास दिया हुआ है। इसका लिखिएगा, एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए बेटा। फोर ग्राम्स ऑफ एन आइडियल गैस, 4 grams ऑफ एन आइडियल गैस वॉज कन्फाइंड इन 1 लीटर फ्लास्क, कन्फाइंड इन 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर फ्लास्क एट 1 atm, 1 atmosphere प्रेशर। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क By 30 degree Celsius, increases gas pressure by 8%. Increases the gas pressure by 8%. Determine the molar mass of the gas. Determine
द मोलर मास ऑफ द गैस, हो गया सर। कुछ हुआ क्या? मोलर मास ऐसा आएगा क्या? क्या मोलर मास मोल्स अरे 0.03 क्या था जो पूछा जाए ना एग्जाम में वही आंसर देना, अपनी मर्जी का ई ऑप्शन मत डाल देना। सर 133.3 ग्राम्स। 1 हाउ मच? 1। 133.3 ग्राम्स। ओके ओके चलो देखते हैं।
सबसे पहली चीज में देखो, वो कहता है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क बाय 30 डिग्री इंक्रीजेस गैस प्रेशर बाय 8%, यानी कि वो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन जो है उसको यूज करा रहा है, राइट। सर पीवी स्क्वायर एन आर टी तुम्हें आता है, ये आपको कितना रिलेशन मालूम है। ये तुम्हें अब रिलेशन, तुम्हें सेपरेट कोई रिलेशन की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे इसको हर बार लिखो और फिर देख लो इसमें। जब वो कह रहा है कि आपने क्या किया, आपने जो है इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय फ्लक्स बाय 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेस गैस प्रेशर बाय 8%, राइट। तो इसका मतलब है कि मैं इसको यूज करूंगा, ये V2N2 और V1N1 हटा दो, तो सीधे P1 upon T1 इज इक्वल टू P2 upon T2। इससे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, T2 मिल जाएगा, बिकॉज ये प्रेशर मान लीजिए कि ये P1 1 है, तो P2 क्या हो जाएगा, 1.08, क्या मानते हो बेटा। और टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, T1, अच्छा वो भी नहीं, वो भी इंक्रीज डिक्रीज दिया है, तो T1 को अगर हम T ले लें तो ये हो जाएगा T+30। अच्छा ये याद रखना, डिफरेंस केल्विन हो या फिर डिग्री सेल्सियस वो नहीं बदलता, ये नहीं कि इसमें 273 और ऐड कर दिया, ये गलती मत कर देना आप, तो इसको T+30 ही रखना, समझ गए। तो यहां से जो टेम्परेचर की वैल्यू आती है वो है 375 केल्विन, केल्विन केल्विन ही रखी जाएगी ना। हाँ, और उसके बाद आप पीवी इज इक्वल टू एन आर टी का फॉर्मूला लगा दो, प्रेशर की वैल्यू, में प्रेशर वॉल्यूम। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, यहां पर जो एन है, बिकॉज हमको मोलर मास निकालना है, तो यहां पर हम एन को लिख देंगे मास अपॉन मोलर मास, और ये आर टी, तो प्रेशर की वैल्यू यहां पर आप रख दो 1, है ना, और वॉल्यूम 1 रख दो, और एन की वैल्यू मास 4 ग्राम है, मोलर मास निकालना है, आर की वैल्यू 0.08, अच्छा उसको 0.0821 करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इसमें। और टेम्परेचर की वैल्यू हमने 375 केल्विन निकाल लिए, तो मोलर मास इसको सॉल्व करके जो मेरे पास वैल्यू है वो 123 लिखा हुआ है, 123 मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास 123 ग्राम्स बोलेंगे। इसके आसपास क्या वैल्यू है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार और सॉल्व कर लेना अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो। अच्छा सर सबने लिख लिया बेटा। चलो ये हो गया। देखो सॉल्विंग के टाइम पे कई बार आर की वैल्यू 1/12 करके भी लिख लेते हैं, ठीक है, बट ठीक है ऐसे ही आप करो। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है रिलेशंस निकालेंगे बेटा, ठीक है, वेपर डेंसिटी, गैस डेंसिटी, मोलर मास का डिस्कशन करेंगे, तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो अभी आप रेस्ट करो। ठीक है।